गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बच्चे पीछे एक चैप्टर जिसमें हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम इन डिटेल इन्वायरमेंट के बारे में और पढ़ेंगे। कहता एनीथिंग दैट सराउंड अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। कहता कोई भी चीज जो हमारे इर्द गिर्द हमें सराउंड कर रही है, हमारे आस पास है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या हमारा इन्वायरमेंट है। द वर्ड इन्विरॉन मीन्स टू सराउंड। अब वर्ड इन्वायरमेंट किससे बना है, इन्विरॉन से, और इन्विरॉन का मतलब होता है टू सराउंड, क्या सराउंड करना। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ लाइक एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स एक्सेट्रा। कहता हमारा इन्वायरमेंट बेसिकली सभी की सभी लिविंग चीज़ों और नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जैसे कि हवा, पानी, पौधे, जानवर, माइक्रोब, छोटे छोटे एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ। द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा इकोसिस्टम बनाती हैं। ऑल दीज थिंग्स दैट मेक अप द इन्वायरमेंट आर नोन एज इट्स कंपोनेंट। अब कहता जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंट को बनाती हैं उन्हें हम बोलते हैं कि वो क्या हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। हैंस इट इज इट कैन बी सेड दैट द इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक। कहते हैं इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, पहला आता है बायोटिक, दूसरा आता है एबायोटिक। ठीक है, अब हम मन में पढ़ेंगे कि एबायोटिक और बायोटिक क्या है। सबसे पहले आता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक क्या होता है, द एबायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब एबायोटिक के अंडर सारी नॉन लिविंग चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये किससे कंसिस्ट हुआ होता है, एबायोटिक चीज़ों से। इट इंक्लूड जैसे हवा, पानी, लैंड, ये सब क्या बनाती हैं मिलके, एबायोटिक इन्वायरमेंट। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जो हमारी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा, ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट। ये भी क्या बनाती हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट का एक क्या बनाती हैं, पार्ट बनाती हैं। दीज कंपोनेंट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिग्निफिकेंटली। अब कहता है ये कंपोनेंट जो है ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को, नेचर को, डिस्ट्रीब्यूशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, देन आता है बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। अब एबायोटिक में तो नॉन लिविंग थिंग चीज़ें आती थी सारी। अब कहता है द बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। कहते हैं जो बायोटिक इन्वायरमेंट है इसके अंडर क्या आती है, जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रोब, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो सारी बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। दीज कंपोनेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इन थ्री टाइप्स। अब बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। अब सबसे पहले प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड आर नोन एज प्रोड्यूसर। कहते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स जो अपना खाना प्रिपेयर कर सकती हैं खुद, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, प्रोड्यूसर्स। इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्या है, प्रोड्यूसर हैं, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर्स, कि भाई कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कहते हैं द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा, मतलब प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किए गए खाने को क्या करते हैं, खाते हैं, उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, कंज्यूमर्स हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउ, गोट, हॉर्स, डियर एक्सेट्रा ईट प्लांट। अब कहता है हर्बीवोरस कौन से हो गए, ग्रीन प्लांट्स खाने वाले एनिमल, जैसे कि काउ हो गए, गोट हो गए, हॉर्स हो गए, डियर हो गया, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। देन आता है कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, ईगल, डॉग एक्सेट्रा ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कहता है कार्निवोर सब क्या करते हैं, जैसे कि लाइन, टाइगर, ईगल वगैरह, ये क्या खाते हैं, दूसरे जानवर को खाते हैं, मतलब फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। ओमनीवोरस एनिमल्स लाइक बियर, मैन एक्सेट्रा इट बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब ओमनीवोरस एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि बियर हो गया, मैन, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, ये क्या खाते हैं, दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या आते हैं, हमारी सब्जियाँ जैसे कि जो आप खाते हो पालक वगैरह, ठीक है, वो प्लांट्स ही हैं। और एनिमल्स क्या, एनिमल्स खाते हैं, मतलब फिश वगैरह और भी बड़ी सारी चीज़ें, ठीक है, खाते हैं। तो जो दोनों चीज़ें खाते हैं, फ्लैश और प्लांट्स, उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोरस। कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर तो हमारे हो गए हर्बीवोरस, ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, लेकिन कार्निवोरस और ओमनीवोरस इनको हम बोलते हैं ये क्या है,
सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देन आता है डीकम्पोजर्स, कि डीकम्पोजर्स कौन है, मतलब बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं हमारे, इन्हें हम बोलते हैं ये क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर एंड डीकम्पोज दैम टू प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स। अब कहता है ये क्या खाते हैं, डेड मरे हुए और डीकेइंग गले सड़े हुए मैटर को, ठीक है, खाते हैं और उसको डीकम्पोज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, अपना न्यूट्रिएंट बना लेते हैं, मतलब अपने पौष्टिक आहार जो भी उनको चाहिए। दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज बाय प्लांट फॉर ग्रोथ। अब ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स कौन यूज करता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट इस न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। देन आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, कहता है प्लांट एंड एनिमल्स इन एन इकोसिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर इन अ साइकिल ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। कहता है प्लांट और एनिमल इकोसिस्टम में डिपेंड हुए होते हैं एक दूसरे पर, एक साइकिल में क्या करते हैं, वो एक दूसरे को खाते हैं, या तो कोई उनको खाता है आगे या फिर वो किसी और को खाते हैं, ठीक है। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रंट फ्रॉम द सॉइल, कहते हैं प्लांट्स कहाँ से न्यूट्रंट एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से, एंड प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और खाने को बनाते हैं किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। दीज प्लांट्स आर रिटन बाय हर्बीवर्स। अब इन प्लांट को कौन खा जाता है, हर्बीवर्स खा जाते हैं। हर्बीवर्स आर रिटन बाय कार्निवर्स। हर्बीवर्स को कौन खा जाता है, कार्निवर्स खा जाते हैं। दीज कार्निवर्स आर रिटन बाय ओमनिवर्स, और कार्निवर्स को कौन खा जाता है, ओमनिवर्स खा जाते हैं। व्हेन द हर्बीवर्स कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स डाई, अब जब हर्बीवर्स कार्निवर्स ओमनिवर्स तीनों क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, दे आर रिटन बाय स्कैवेंजर्स। अब उनको कौन खा जाते हैं, स्कैवेंजर्स खा जाते हैं। कहते हैं आफ्टर द स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स के बाद द डिकेइंग मैटर इज ईटन बाय डीकम्पोजर्स विच रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब स्कैवेंजर के बाद क्या होता है, जो डिकेइंग मैटर, गड़ा सारा मैटर बच जाता है, उनको कौन खा जाता है, डीकम्पोजर्स खा जाते हैं, जो रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसमें, सॉइल में। सो द न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम द सॉइल रीच टू द सॉइल अगेन। अब जो न्यूट्रिएंट हमें सॉइल से मिले थे वो वापस किसमें चले जाते हैं, सॉइल में ही चले जाते हैं। द चेन ऑफ हु ईट्स हुम इज इन एन इकोसिस्टम टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फूड चेन। अब कहता है ये चेन कि भाई कौन किसको खा रहा है इकोसिस्टम में, ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के लिए इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, फूड चेन है, ठीक है। अब आता है बैलेंस इन नेचर, कि नेचर में बैलेंस कैसे बना हुआ है। कहता है डू यू नो वॉट विल हैपन इफ वी रिमूव एनी वन टाइप ऑफ एनिमल फ्रॉम द फूड चेन। कहता है क्या आप जानते हैं कि क्या होगा अगर हम किसी एक भी जानवर को इस फूड चेन में से क्या कर दें, बाहर निकाल दें। इट विल डिस्टर्ब द होल नेचर, कहता है ये क्या करेगा, पूरे के पूरे नेचर को, कुदरत को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन द गिवन फूड चेन, कहता है जो आपका फूड चेन गिवन दी गई है, इफ ऑल द ईगल्स आर किल्ड, अगर सारी की सारी ईगल्स मर गई, ठीक है, देन वट वुड हैपन, क्या होगा, खुद ही सोचो, अगर ईगल्स मर जाएंगी तो क्या होगा। इफ ऑल द ईगल्स आर किल्ड, अगर सारी की सारी ईगल्स को मार दिया जाए, द नंबर ऑफ स्नेक विल इंक्रीज रैपिडली, नंबर ऑफ स्नेक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्नेक कौन खाता है, ईगल खाती है। स्नेक विल ईट अप ऑल फ्रॉग्स, स्नेक क्या करेंगे, सारे के सारे फ्रॉग्स को खा जाएंगे, क्योंकि स्नेक किसको खाता है, फ्रॉग को खाता है। सो द नंबर ऑफ फ्रॉग विल डिक्रीज, तो फ्रॉग का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉग, अब फ्रॉग की एब्सेंस में नंबर ऑफ ग्रास होपर्स विल इंक्रीज, अगर फ्रॉग नहीं होंगे तो ग्रास होपर्स हमारे टिड्डे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, एंड दे विल ऑल द ईट ऑल द प्लांट्स, अब वो क्या करेंगे, अगर टिड्डे बढ़ जाएंगे सारे सारे प्लांट्स को क्या करेंगे, वो खा जाएंगे। द ह्यूमन बींग नॉट विल नॉट गेट फूड, ह्यूमन बींग्स को क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि टिड्डे तो सारे के सारे प्लांट्स को खा जाएंगे, एंड विल डाई ऑफ स्टारवेशन, और भूख के कारण क्या हो जाएंगे, ह्यूमन बींग मर जाएंगे। तो सोचो एक ईगल के हटने से कितना ज्यादा इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो गया। दिस शो दैट, कहते हैं ये शो करता है डिस्टर्बेंस इन एनी पार्ट ऑफ द फूड चेन वुड डिस्टर्ब द होल नेचर। कहते हैं इसी से पता चलता है कि अगर फूड चेन के किसी भी एक पार्ट को आप क्या करो, डिस्टर्ब कर दो, तो उससे पूरी के पूरा नेचर में क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। बच्चे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं।